देखो यही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का आलीशान घर, जो कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में स्थित है। इसी बिल्डिंग में अपने पूरे परिवार से हम पूछेंगे। भाई हसीना पारकर को जानते थे क्या आप? हाँ मैं जानता था, मतलब ये बहुत लोगों ने मेरे को बताए हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने मेरे को बताया है कि मतलब ये इधर रहती थी। कौन से फ्लोर पर रहती थी ये बिल्डिंग में? पहले या दूसरे फ्लोर पर रहती थी। और ये बहुत पुराना घर है इन लोग का। मतलब मेरे पीछे देख सकते हो, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर हसीना पारकर रहा करती थी। हालांकि आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में, जहां पर दाऊद इब्राहिम की सिस्टर रहा करती थी हसीना पारकर। मेरे पीछे देख सकते हो, यही वो बिल्डिंग है जहां पर हसीना पारकर रहा करती थी। हालांकि आज के टाइम पे जो है उनकी बिल्डिंग जो है, उनके फ्लैट जो है बिक चुके हैं। भाई आप लोग को दिखाने वाला हूँ हसीना पारकर का घर, जो कि दाऊद इब्राहिम की सिस्टर थी। भाई यहीं पर वो रहा करती थी। चलिए आज के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे हसीना पारकर का कहां पर घर था। ऐसा भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम जो है अक्सर यहां पर आया भी करते थे। भाई चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामने की तरफ देखो, ये है बिल्डिंग का मेन गेट, और इसी बिल्डिंग से एक टाइम पे जो है हसीना पारकर और ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो है, जैसे हाजी मस्तान हो गए, करीम लाला हो गए, ऐसे बड़े बड़े जो है अंडरवर्ल्ड जो है इस बिल्डिंग में जाया करते थे, हसीना पारकर से मिला करते थे। भाई देख सकते हो, ये है वासिल खान मार्ग, यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा भाई कि ये बिल्डिंग अंदर से कैसी दिखती है। चलो भाई सभी हम चल रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पर ऐसे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर जैनिल सिंह भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे भाई। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा मालूम है कि वो रहती थी इधर। अच्छा हाँ हाँ, वो पिछला हो गया उधर। जी जी, वो अभी इधर क्या हालात है नहीं मालूम। हाँ हाँ बराबर। कौन सा फिल्म था अंकल? वो नाम नहीं याद आ रहा है, इसके बारे में अभी वो बता रहा था, मैं बोला ऐसे ही हुआ। ये तो है ना, ये इनका न्यूज़ में देखा, मीडिया वाले हैं। हाँ भाई, मीडिया वाले हैं। हाँ तो गाइस अभी हमारे साथ जो है एक भाई मिले हैं, यहीं के जो है अभी यहीं पे रहते हैं, एंड इनसे हम जो है बातें करेंगे कि हसीना पारकर यहीं पर रहा करती थी। तो भाई से हम पूछेंगे, भाई हसीना पारकर को जानते थे क्या आप? हाँ मैं जानता था, मतलब ये बहुत लोगों ने मेरे को बताए हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने मेरे को बताया है कि मतलब ये इधर रहती थी। कौन से फ्लोर पर रहती थी ये बिल्डिंग में? पहले या दूसरे फ्लोर पर रहती थी। और ये बहुत पुराना घर है इन लोग का, मतलब बहुत पुराना घर है। अभी शायद से गवर्नमेंट के हाथ में चले गया है ये घर। अच्छा, ये वाला गवर्नमेंट के हाथ में चले गए। और ये वाली बिल्डिंग में जो फ्लैट थे वो भी गवर्नमेंट ले लिया? नहीं, एक बहन शायद से ली है। अच्छा, एक और है अभी। हाँ, एक फ्लैट है, एक गवर्नमेंट। हाँ, ले लिया। हाँ, तो दाऊद इब्राहिम का यहाँ पर घर भी है क्या आसपास में कहीं? घर तो नहीं, सब सारा मतलब गवर्नमेंट के हाथ में चले गया ना। पहले मतलब था उसका घर। हाँ, पहले काजीपुरे में चाय पीने के लिए आते थे उन लोग। अच्छा, काजीपुरे में चाय पीते थे, मेरे पहचान वाले हैं। अच्छा, तो बताते थे, मतलब बोलते थे कि मतलब ये काजीपुरे में उनका चाय का टेक था, रोज आके पीते थे चाय। अच्छा, हसीना पारकर को यहाँ पर क्या कैसे बुलाते थे लोग जो है? वही हसीना पारकर को जैसा डॉन वॉन लोग को कैसा अपने नाम से बुलाते हैं, जैसे यहाँ की वो डॉन की तो कुछ ऐसा तो अपनी करके ऐसा कुछ तो। हाँ, वो मैम बड़ी मैम ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना, मतलब बुलाते हैं बहुत लोग डॉन लोग का। जैसे यहाँ हमारे यहाँ एरिए में अभी एक है डॉन, जैसे उनका बाटला भाई। अच्छा, वो अभी बोइन बाटला ऐसा। हाँ, उनको बाटला करके बोलते थे। तो अभी मतलब वो दाऊद इब्राहिम के गैंग थे क्या वो भी? नहीं, वो गैंग में वो तो नहीं थे। अच्छा, गैंग में नहीं थे। हाँ, अभी के लिए मतलब वो है, मतलब इधर उन्हीं का पूरा मतलब एरिया में नाम चलता है। अच्छा, चलो भाई शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाई के वीडियो को सब सपोर्ट करिए, और यूट्यूब चैनल है भाई का। भाई तुम्हारा यूट्यूब चैनल क्या है? विकास डेली ब्लॉग। तो देखो यहाँ के लोकल्स लोग हमें बता रहे थे कि इस बिल्डिंग में जो है एक ही फ्लैट हुआ करता था उनका, जो कि आज के टाइम पे ये पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से जब्त कर लिए है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो है कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे कैमरा ऑन पे, तो इसके वजह से हमें जो है ऑन कैमरा से नहीं हो पा रहे थे, इसके वजह से हमें ऑफ करके ही बात करना पड़ता था। तो यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोकल्स लोग से हमने बात की और पूरी जानकारी ली। आज के टाइम पे कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पर हसीना पारकर रहा करती थी। हसीना पारकर हालांकि आज के टाइम पे नहीं है, 2014 में ही उनकी डेथ हो गई थी, जो कि रमज़ान का टाइम था तभी उनकी डेथ हो गई थी। यही मेरे पीछे बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में वो रहा करती थी। हालांकि आज के टाइम पे
उनकी पूरी फैमिली जो है इधर से कहीं और शिफ्ट हो गई। भाई देख सकते हो ये कुछ ऐसी बिल्डिंग है। हसीना पारकर अपने भाई दाऊद इब्राहिम के बहुत ज़्यादा करीब थी। अपराध की दुनिया में दाखिल होते ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन का एक बड़ा नाम बन गया था। 1993 में बम विस्फोट के बाद जो है दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया था, लेकिन उसकी बहन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी। मीडिया और पुलिस जो है इसी घर पे आते रहते थे भाई, और आज के टाइम पे देखो कुछ ऐसा घर दिखता है। हसीना पारकर अपराध जगत में पहला संपर्क जो है दाऊद इब्राहिम के से रखी थी यानी जो है अपने सगे भाई से ही। और ऐसा भी कहा जाता है कि हसीना पारकर का पति जो है इस्माइल की हत्या का कांड जो है अरुण गौली को ही था। अरुण गौली का गैंग ही किया था, और ये जो है अरुण गौली का एक बहुत बड़ा जो है मिशन हुआ करता था एक टाइम पे। और दाऊद ने अपने साले जो है इस्माइल की हत्या के बाद जो है जे जे अस्पताल में गौली के शूटर को मारने के लिए जो है शूटर भेजे थे। 1991 में इस घटना को जे जे अस्पताल शूटआउट के नाम से जाना जाता था, और जिसने पूरे मुंबई को झकझोर दिया था। नागपाड़ा के गॉर्डन हॉल बिल्डिंग में स्थित अपार्टमेंट जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दिग्गज जो है हसीना पारकर 2014 में अपने आखिरी दिनों तक रहती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2019 को जो है ये जो है बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग में हसीना पारकर का जो फ्लैट है 1.8 करोड़ रुपए में वो गवर्नमेंट ने लीलाम कर दिया। देखो ये ही कुछ ऐसी बिल्डिंग जहां पर हसीना पारकर रहा करती थी भाई, और आज भी उनका यहां पर दबदबा है, यानी जो है डरते हैं। हसीना पारकर के एक करीबी ने बताया कि उसने अवैध रूप से घर पर कब्जा कर रखी थी, और उसके सभी बच्चे की शादी जो है उसी घर में हुई थी। बताया जाता है कि नागपाड़ा स्थित घर में जो है अपने सारे व्यापारिक लेन देन करती थी। अधिकारियों ने उस व्यक्ति की जो है पहचान बताने से इनकार कर दिया। ये जो है पर्सनल लाइफ है, और कोई जो है ऐसा बताता है तो उसको जो है पुलिस ऐसा मतलब बताती नहीं है कि ये आदमी बताया था। इन करते हैं होप सब आप लोग हसीना पारकर का घर देखे रहेंगे भाई। ये है दाऊद इब्राहिम की कजन सिस्टर की घर जो है, इनकी सगी बहन का ये घर है, और यहीं पर जो है दाऊद इब्राहिम जो है अक्सर आया करते थे। ईद हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर अक्सर यहाँ अपने बहन से मिलने के लिए। ऐसे भी वो उनकी वीडियोज़ अगर फोटोज़ मिलेगी तो मैं आप लोग को लगा गेट की काफ़ी सारी उनकी फ़ोटोज़ भी देखा भाई। देख सकते हो यही हो बिल्डिंग है हसीना पारकर का, यहीं पर वो रहा करती थी। सो गाइस बस वाले ब्लॉग को यहीं पर इनका सब आप लोग का ये ब्लॉग पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो इसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। जय हिंद।